Hello everyone, good morning, how are you all? I hope you all well with your family. Welcome back again to our channel Sunil Kumar KTV Stylist. I'm Sunil और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नई वीडियो न्यू सीरीज का लेसन टू डे सेकेंड है आज हमारा एंड आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में. इससे पिछली वाली वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक इसका दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो. आज हमारा लेसन टू है, सेकेंड डे है एंड पहले हमने बात करी थी फर्स्ट डे में प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में, तो कौन कौन से यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में. सो ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट क्या है, हम उन्हें कब यूज़ करते हैं और कैसे उनको यूज़ करना है, तो आज हम इसके बारे में जान लेते हैं. सो आज हमारा न्यू सीरीज का डे सेकेंड लेसन टू एंड आज हम बात करेंगे प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में. अब जो भी प्रोडक्ट आप स्टाइलिंग को बनाते समय यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर हम हेयर स्प्रे वगैरह ही यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सम अदर प्रोडक्ट भी आते हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे, जैसे कि आपके वैक्स हेयर स्प्रे हो गए, ड्राई शैम्पू हो गए, आपके हेयर बिल्डर हो गया, तो ऐसे अदर प्रोडक्ट भी हैं उनके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे आगे. आज हम करेंगे बात हेयर स्प्रे के बारे में, बट नॉन फ्लेक्सिबल. नॉन फ्लेक्सिबल मीन्स वो थोड़े से हैवी हैं एंड उनको आप रिशेप नहीं कर सकते हो. अभी हम आज नॉन फ्लेक्सिबल के बारे में बात करेंगे और परसों नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्सिबल वाले के बारे में बात करेंगे जो फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे हैं. तो आज हम नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट वी अप्लाई ऑन हेयर फॉर मेकिंग द पैटर्न फॉर्म्स एंड फिक्सिंग ऑल्सो. मीन्स ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी हेयर स्टाइलिंग के फॉर्म्स, सपोज़ आप लाइंस बना रहे हो, पैटर्न हो गया, कोई आप न्यू डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो, उसको बनाते समय एंड उसको फिक्स करने के लिए हम इन ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं. एंड ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं, आपके सभी हेयर स्प्रे आते हैं, या वो लाइट होल्ड के हैं या वो स्ट्रॉन्ग होल्ड के हैं. एंड ऑल्सो मीन्स इन दिस कैटेगरी वी यूज़ ऑल होल्ड स्प्रे. सो इसमें फ्लेक्सिबल है एंड नॉन फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, जैसे कि इसमें लिखा है, फ्लेक्सिबल का मतलब यू कैन रिक्रिएट द पैटर्न और डिज़ाइन. मीन्स जो फ्लेक्सिबल है, आप उनसे अगर कोई स्टाइलिंग आप बनाते हैं तो आप उनको रिसीव कर सकते हैं, उसी टाइम पे आप दोबारा उसमें कुछ दूसरा हेयर स्टाइल आप बना सकते हो, तो ये आपके फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे हो गए. थोड़े से इनके इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, इनके फॉर्मूला थोड़े अलग होते हैं, इसलिए थोड़े से हेयर स्प्रे महंगे भी आते हैं एज़ कंपैरेटिव. तो जैसे कि हम मीन्स थोड़े से लो कैटेगरी के हम स्प्रे यूज़ करते हैं, उनका काम भी फिक्सिंग पर्पज़ का ही है, वो भी फिक्स करते हैं, वो भी लॉन्ग लास्ट रिजल्ट देंगे आपको, बट दोनों के यूजेस में एंड फील ऑफ क्वालिटी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा या चेंजेस रहते हैं या उनके प्रोडक्ट में. जैसे हेयर के ऊपर स्प्रे गिरता है तो बहुत सारे स्प्रे वाटरी होते हैं, बहुत सारे स्प्रे हैवी होते हैं, तो हेयर उसमें बैठ जाता है, कोई पैटर्न आप बनाते हो तो वो नेचुरल नहीं लगता या वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है. तो इन्हीं की इसी क्वालिटी बेसिस पे आपकी हेयर स्प्रे की कैटेगरी अलग अलग डिवाइड करी हुई है, फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल या ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड, बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं. सो टोटली मींस उसकी फील ऑफ क्वालिटी से है कि इसका फील कैसा है, प्रोडक्ट कितना लाइट वेट है, उसको हम कैसे मींस वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है एंड आफ्टर द एप्लीकेशन उसका रिजल्ट हेयर के ऊपर कैसा है, क्विक फिक्स दे रहा है, ड्राई इफेक्ट दे रहा है, वेट इफेक्ट दे रहा है, स्टिकी कर रहा है, कैसा है मींस. तो आज हम बात कर रहे हैं आपके नॉन फ्लेक्सिबल, मींस जो स्प्रे थोड़े से हैवी हैं, लो कॉस्ट में रहते हैं, मींस बजट रेंज में रहेंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगे एंड बाकी सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे कोशिश करूंगा, सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा. सो फ्लेक्सिबल मीन्स जिनको आप रिक्रिएट रिशेप कर सकते हैं किसी भी पैटर्न को. एंड जैसे कि कोई क्लाइंट्स का आपने कोई फ्रंट बना लिया सपोज, एंड क्लाइंट को वो फ्रंट पसंद नहीं आया, तो क्लाइंट बोलती नहीं 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 आप इसे चेंज कर दो, मीन्स आई डोंट वॉन्ट दिस फ्रंट, मुझे कुछ नया बना के दो, ये मुझ में सूट नहीं कर रहा है. अब आप अगर आपने फ्लेक्सिबल वाला लगाया तो आप रिशेप कर सकते हो, उसका नेचुरलिटी वही मेंटेन रहेगी और ना वो ज़्यादा ख़राब होगा, मीन्स आप तुरंत उसको खोल के आप बना सकते हो. एंड नॉन फ्लेक्सिबल में ऐसा होता है कि अगर आपने उसको मार दिया
स्प्रे की ग्रिप ज़्यादा होती है, पकड़ ज़्यादा होती है एंड वो थोड़े स्टिकी भी होते हैं, तो बैक कॉम को खोलने में, पैटर्न को निकालने में एंड फिर उसके बाद में बाल नेचुरल बिहेवियर नहीं करता, मीन्स वो हैवी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, आप बार बार क्रिएट करते हो तो वो नेचुरल लुक नहीं आता एंड आपको वो फील ऑफ इफेक्ट नहीं आता जैसे आप चाहते हो, तो वो आपके नॉन फ्लेक्सिबल, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल जिसको आप रिसीव कर सकते हो, नॉन फ्लेक्सिबल यू कांट रिसीव एंड यू कांट रिक्रिएट द लुक, मीन्स आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वैसे कर सकते हो बट वो फील ऑफ क्वालिटी नहीं रहेगी, वो नेचुरलिटी नहीं रहेगी, हेयर जो है अपना नेचुरल बिहेव खो देता है, ठीक है। अब इसमें हमने बात करी थी होल्ड, होल्ड पावर से आप लोग क्या समझते हैं, होल्ड का मतलब होता है ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है सीधे से बात करूँ पकड़, कि जो भी आप हेयर स्टाइलिंग में पैटर्न बना रहे हो वो उसको कितना देर तक होल्ड कर रहा है, उसकी पकड़ कितनी अच्छी है, उसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। सो कैटेगरी के हिसाब से या होल्डिंग पावर की कैटेगरी के हिसाब से कि वो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, ऐसे उसमें होल्डिंग या नंबरिंग सिस्टम या लिखा होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड या डॉट सिस्टम होता है, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, चार डॉट, पाँच डॉट, ऐसे मेंशन होते हैं, तो आप उन डॉट सिस्टम से पता कर सकते हो कि वो कितना स्ट्रांग है, उसकी ग्रिप कितनी अच्छी है, जितने ज़्यादा डॉट उतना ज़्यादा स्ट्रांग, जितने ज़्यादा नंबर सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग है, बट उसमें फील ऑफ क्वालिटी का पता कैसे चलेगा, फ्लेक्सिबल भी है नॉन फ्लेक्सिबल भी है, अगर आप लाइक ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी हायर क्वालिटी के या जिन पे लाइक मॉइस्चर को रिफ्लेक्ट करने के भी लाइक उसमें लाइक क्षमता होती है या आपके ह्यूमिडिटी को रिफ्लेक्ट करता है जिससे आपकी हेयर स्टाइलिंग लॉन्ग लास्ट चलती है, सो ये सारे इस पे थोड़े ब्रांडेड हो गए, थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे, मीन्स आपके 700, 600, 1000, 1500 रुपये, 2000 तक की रेंज में आपको फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे मिलते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल आपके स्टार्ट हो जाते हैं आपके 100 से 150 रुपये, 250, 300, 350, 400, इतने में आपको नॉन फ्लेक्सिबल आपको मिल जाते हैं। सो नंबरिंग सिस्टम मीन्स कम नंबर है, एक नंबर, दो नंबर है तो वो कम होल्ड, कम ग्रिप वाला है, ज़्यादा नंबर है तो वो ज़्यादा ग्रिप वाला है एंड ज़्यादा स्टिकी है, मीन्स कैच जल्दी करेगा, पकड़ेगा जल्दी एंड हो सकता है वो हैवी भी हो। तो आज हम ऐसे ही बात करने जा रहे हैं जो कि हम मार्केट में रेगुलर हेयर स्टाइलिंग में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कितना अच्छा है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, बट सभी प्रोडक्ट आपको यूज़ कर रहे हैं, मीन्स पहले आप कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लो, आप उसको यूज़ करो, आपको वो अच्छा लगता है तो वो किसी हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है एंड किसी अदर हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको कोई दूसरी कैटेगरी का स्प्रे यूज़ करना पड़ सकता है। तो आज हम पहले स्प्रे के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा स्प्रे यूज़ करना है, यूज़ आपको सारे करने हैं बिकॉज आप जब यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा कि स्प्रे का फील ऑफ इफेक्ट कैसा है, मीन्स वो हैवी भी है नहीं है, आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, उसकी फ्रेगनेंस से लेके हो, आपके यूज़ के ऊपर हो, आपकी चॉइस क्या है, मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हो उस हेयर स्प्रे में, ऑब्वियसली सी बात आप चाहोगे वो नेचुरल लगे, होल्डिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, तो वो बट बजट भी मैटर करता है ना, सो ये चीज़ें आप ज़रूर देखें। तो जो सा भी आपको अपनी क्लाइंट के हिसाब से जो आपको क्लाइंट पे कर रही है आपके सैलून में, जो भी आपको अपनी बजट रेंज में लगता है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़, आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये समझ में आया आप लोगों को कि ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं, सारे हेयर स्प्रे आते हैं आपके, सारे जो भी होल्डिंग हेयर स्प्रे हैं वो सभी आपके ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट में आते हैं। ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट में हम कौन से, हम ड्राई हेयर पे यूज़ करते हैं, किस पे करते हैं, ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट वी यूज़ इन ड्राई हेयर, आप ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो है ड्राई हेयर पे यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे बता दिया, फ्लेक्सिबल जिनको आप रिशेप कर सकते हो, नॉन फ्लेक्सिबल जिनको आप रिशेप नहीं कर सकते। होल्ड पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा ग्रिप पावर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नेम आपको इसमें बता रहा हूँ एंड उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे एंड आप उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों बाय कर सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा नाम लिख देता हूँ, उसके बाद आप ये ज़रूर लिखिएगा जो मैंने लिखा है एंड जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, फाइल बना लो। देखो मैं अभी से बोल रहा हूँ, सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारी, आप एक बड़ी सी फाइल ले लो A4 साइज़ लैमिनेशन के साथ में एंड अच्छे अच्छे अपने ये एक
लाइक बहुत लंबा हम प्रोसीजर चलेगा इसका, लॉन्ग टर्म हम इसमें चल रहे हैं कंटिन्यूसली। आई डोंट नो कितना वीडियो हम इसमें अपलोड करेंगे। सो एक फाइल बना लो स्टार्टिंग से, बाद में नहीं, आप अभी से फॉलो करो एंड स्टार्टिंग से डे बाई डे आप काम करो। जो हमने पहले बताए उन प्रोडक्ट के बारे में लिखो, उसकी पिक्चर आप ब्लू प्रिंट आप उसका वर्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप फोटो लगा दो, यहाँ पे उसके बारे में लिख दो, यहाँ पे फोटो लगा दो, यहाँ पे उसके बारे में लिख दो, यहाँ पे फोटो लगा दो, यहाँ पे उसको, जैसे कि यहाँ पे मूव्स का पिक्चर, उसके लिए सीरम, उसके लिए लिख दिया कि हम सीरम का क्या यूज़ है वगैरह वगैरह। ठीक है, कैटेगरी ऐसा ऐसे बना सकते हैं। सो यहाँ पे हम प्री स्टालिंग प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो ओके दोस्तों, ड्यूरिंग स्टालिंग प्रोडक्ट को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये भी आपके जो भी हेयर स्प्रे हम यूज़ करते हैं इन पे भी तीन तरह के हेयर स्प्रे हैं आपके। पहला आता है आपका लाइट होल्ड हेयर स्प्रे, मीन्स जिनका होल्ड कम है तो वो लाइट होल्ड हेयर स्प्रे में आते हैं, और जिनका होल्ड पावर जो रहेगा वो रहेगा एक या दो नंबर, ये बहुत कम होगा, मीन्स माइनर सा, बहुत कम। एंड आप कह सकते हैं कि नेचुरल होल्ड, मीन्स इट्स लाइक अ नेचुरल होल्ड, आपको बाल में हल्का सा ठहराव मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं देगा। जैसे कि आपके शाइन स्प्रे होते हैं उन पे एक नंबर मेंशन होता है, सो दैट विल गिव यू नेचुरल होल्ड ओनली। ठीक है, सो ये आपके लाइट होल्ड हेयर स्प्रे हो गए, या आप इसे कह सकते हैं नेचुरल होल्ड। नेचुरल होल्ड से हमारे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप सपोज़ कई बार आपने देखा होगा, जैसे आज आपने वॉश किया और तीन या चार दिन के बाद में आपका जैसे नेचुरल सीबम, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं, आपके हेयर में आ जाता है। एंड वो थोड़ा स्टिकी होता है, किसी का अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है तो वो अलग मैटर करता है, बट किसी का हल्का सा वो नेचुरल ऑयल निकलता है, बट वो बहुत चिपचिप नहीं होता, ग्रीसी नहीं होता है, बट उस पर एक होल्ड रहता है एंड शाइन भी रहती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट जो है आपको ये शाइन स्प्रे देते हैं, या एक नंबर के होल्ड स्प्रे आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड सेकेंड है हमारा मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे। मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे में हम यूज़ करते हैं 3, 4, 5, 6 नंबर के हेयर स्प्रे। सो जैसे कि आप लाइंस बना रहे हो, अगर आप बिल्कुल फिक्सिंग स्प्रे के साथ में नहीं वर्क कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हेयर स्प्रे, तो आप नॉर्मल 3 नंबर के हेयर स्प्रे से आप यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसकी ग्रिप कम रहेगी, आप उसको रिशेप भी कर सकते हैं, बट दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, हाँ, नॉन फ्लेक्सिबल नहीं। नॉन फ्लेक्सिबल अगर आप यूज़ करोगे तो उसको ग्रिप कर देगा, तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, फिर वो नेचुरलिटी नहीं रहेगी। बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ लाइक थोड़ा सा लाइट होल्ड हेयर स्प्रे, कि जैसे कि आप लाइंस बना रहे हैं, आपको चाहिए कि वो नीट एंड क्लीन बने, एंड कोई पैटर्न बना रहे हो जो थोड़ा टफ़ है, और आप उसको बार बार बनाओगे, बार बार खोलोगे, एक बार में नहीं बन पाएगा, तो आप माइल्ड होल्ड स्प्रे का यूज़ करके उसको बैठा सकते हैं, उसमें ठहराव दे सकते हैं कि आपने बनाया उसको थोड़ा ठहराव मिल गया, वो होल्ड हो गया, जैसे वो आपने पिंस लगाए आप उसको फिक्स कर दो फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे से। तो इस प्रोसेस से आप माइल्ड होल्ड स्प्रे का बनाते समय फिक्सिंग, उसी समय आप 4, 5, 6 नंबर का भी आप यूज़ कर सकते हैं फिक्सिंग पर्पज़ से। ठीक है, तो मीडियम टू स्ट्रॉन्ग हो गया आपके 3, 4, 5, 6 नंबर के होल्ड स्प्रे, उसमें नंबरिंग सिस्टम मेंशन होता है। और बाकी अभी हम बात भी करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट के नेम और कितना होल्ड पावर उसका है। लास्ट में आपके आते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वेरी स्ट्रॉन्ग में आपके सारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है, वो आपकी हेयर स्टाइलिंग को फिक्स करने के लिए, कि अब हेयर स्टाइलिंग बन चुकी है एंड वी वांट टू फिक्स लाइक पर्टिकुलर दिस हेयर स्टाइल, कि अब हमें ये छेड़ना नहीं है, ये हमें लॉन्ग लास्ट तक चलाना है, या आपने कर्ल्स बनाए, या आपने कोई हेयर डो बना लिया, कंप्लीट बन बना लिया, एंड लास्ट में आपने होल्ड स्प्रे, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग 6 से लेके 8 नंबर तक उस पर मेंशन होता है स्प्रे में, तो आप वो पूरा लास्ट में आप मार दें एंड बाद में शाइन स्प्रे मार दें, तो वो क्या चलेगा आपका ज़्यादा, वो फिक्स कर देगा उसको, मीन्स उसकी पकड़ ज़्यादा हो जाएगी, वो आपका हेयर ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेगा। तो ये आपके फिक्सिंग पर्पज से हो गया जो लास्ट में हम यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं अब अलग अलग जो लाइट होल्ड में कौन से हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लाइट होल्ड हेयर स्प्रे में हम यूज़ करते हैं जैसे कि आपका ओसिस प्लस 1, ये स्पार्कलर के नाम से आता है, स्पार्कलर के नाम से स्कॉर्सकॉफ ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ,
ये वाला प्रोडक्ट शाइन स्प्रे हम इसे कहते हैं, ओसिस प्लस वन, ये वाला, ये आप देख सकते हैं स्कॉस्कॉफ का ब्रांड है, एक नंबर इसमें मेंशन है, यहाँ पे लिखा होता है ये वाला, आप देख सकते हैं स्पार्कलर के नाम से ये आता है। ये आपको शाइनिंग भी देगा एंड आपको एक नंबर का होल्ड पावर भी देगा, नेचुरल होल्ड मीन्स बालों में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है एंड दिस विल कंट्रोल योर फ्रिजनेस ऑल्सो, ये हल्का सा फ्रिज भी कंट्रोल करता है। जैसे छोटे छोटे स्टैटिक हेयर होते हैं तो आपको ये, जैसे आपने पफ बनाया, पफ के ऊपर आपने नीच एंड क्लीन कर दिया एंड आप शाइन स्प्रे मार दो ऊपर से, फिर उसको क्लीन कर दो एंड देन उसमें लाइन्स बनाओ, तो छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट मर्ज हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सो ये बहुत अच्छा हेयर स्प्रे है, शाइनिंग स्प्रे हम कहते हैं ऐसे। सो दिस हेयर स्प्रे विल गिव यू शाइन एंड वन नंबर होल्ड पावर ऑल्सो, सो शाइन एंड होल्ड पावर दिस हेयर स्प्रे विल गिव यू। तो नेम क्या है, ओसिस प्लस वन, स्पार्कलर इसका नाम है एंड क्या देगा आपको, एक नंबर का होल्ड पावर। सेकंड है हमारे पास, अगर आपको ये अराउंडली आपको पड़ जाएगा 1000 की रेंज में आपको पड़ जाता है, आप, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो रेट थोड़े फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, कई बार ये 700, 800, 820, 850 ऐसे भी दिखाता है, सो डिपेंड ऑन अभी क्या रेट चल रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको ये बहुत महंगा लगता है, आपके बजट में नहीं आता है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू अनदर हेयर स्प्रे, दिस वन, ये आपका गोदरेज का है, गोदरेज ब्रांड का, सो शाइन ऑन इसके नाम से, ये शाइन ऑन के नाम से आता है, शाइन स्प्रे है ये भी, इस पर भी आप देख सकते हैं ये एक डॉट मेंशन है यहाँ पे, सो ये भी आपका नेचुरल होल्ड देगा। एंड अगर ये आपकी बजट रेंज में नहीं है देन यू कैन गो फॉर दिस, दिस विल गिव यू ऑल्सो शाइन एंड ये आपको अराउंड पड़ेगा 425 रुपीज़, इसमें MRP है, बाकी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो या ऑफलाइन भी आप चेक कर सकते हो। तो सेकेंड है हमारा शाइन ऑन के नाम से आता है, शाइन ऑन ये स्प्रे का नाम है, शाइन स्प्रे है ये भी एंड ये गोदरेज ब्रांड का है, ये भी आपका शाइन स्प्रे है। सो डेफिनेटली ओसिस के ऑप्शनल में अगर आपका बजट नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन, ठीक है, नहीं तो ओसिस बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें अगर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज रियली नाइस। सेकेंड थर्ड हमारे पास है ये क्यून का है, ग्लॉस के नाम से आता है, दिस वन क्यून ब्रांड का ग्लॉस के नाम से ये शाइन स्प्रे आता है, शोइंग यू, सो दिस वन ये क्यून ब्रांड का प्रोडक्ट है, ग्लॉस के नाम से ये आता है, दिस इज ऑल्सो शाइन स्प्रे, मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, थर्ड है हमारा क्यून ब्रांड का, दिस वन इज ऑल्सो नाइस, ये आपका मिस्ट फॉर्म में है एंड काफ़ी अच्छे से ये स्प्रेड होता है, ग्लॉस नाम से ये आता है, सो ग्लॉस नाम से ये जो है मार्केट में आता है और ये भी आपका क्या है, शाइन स्प्रे, ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली बैठेगा, मींस में इसका जो MRP है वो है 1700 रुपीज़, सो आप देख सकते हैं दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। सो मेरी प्रेफरेंस है, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट प्रोफेशनल ट्रेनर्स वगैरह सभी यूज़ करते हैं ओसिस का, दिस इज़ रियली नाइस एंड अगर आपका बजट नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस एंड दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस क्यून का, ठीक है। तो ये तीनों शाइन स्प्रे हैं, आप तीनों यूज़ कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर बजट, ठीक है। सो ये थे हमारे लाइट होल्ड हेयर स्प्रे, पहला बताया हमने ओसिस का स्पार्कलर, शाइन स्प्रे एक नंबर का होल्ड पावर, शाइन ऑन गोदरेज ब्रांड का और थर्ड है क्यून का ग्लॉस एक नंबर का शाइन स्प्रे, ठीक है। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं शाइनिंग के लिए हाँ एंड लिटिल फ्रिज कंट्रोल के लिए। नाउ सेकेंड हम बात करेंगे मीडियम स्ट्रॉन्ग स्प्रे की। सो ओके दोस्तों, नाउ हम बात करेंगे मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे की, जो भी आपके मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहला है आपका सिल्विक्रिन के नाम से आता है, सिल्विक्रिन क्लासिक के नाम से, वेला ब्रांड का है ये, सो आई एम जस्ट शोइंग द पिक्चर, सो दिस वन इज़ वेला एंड सिल्विक्रिन इसका नाम है, क्लासिक सिल्विक्रिन क्लासिक के नाम से हेयर स्प्रे
दो नंबर का इसका होल्ड पावर है, वेला ब्रांड का टू नंबर होल्ड पावर दिस स्प्रे विल गिव यू। सो ये दो नंबर का माइल्ड होल्ड है स्प्रे है, जो कि आप किसी भी पैटर्न को क्रिएट करने के लिए बनाते समय, जैसे कि आप बिगनर्स हैं और आप चाहते हैं कि बिगनर्स का, मैंने लाइल्ड होल्ड स्प्रे का कहने का मतलब क्या है, देखो मीन्स आप कोई हेयर स्टाइलिंग बना रहे हो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको स्प्रे टेक्निक का भी आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है, एक तो पहली बात कैसे स्प्रे करना है और कैसे एप्लीकेशन हम करते हैं, ये सारी स्प्रे टेक्निक के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अभी हम बात कर रहे हैं दो नंबर होल्ड स्प्रे की, हम कब इसको यूज़ करेंगे। आप इसे यूज़ करोगे जब आप कोई पैटर्न बना रहे होगे, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, आप नए हो, आपको टेक्निक का पता नहीं होता है और आपको चाहिए थोड़ा सा उसमें होल्ड एंड आप उसको बार बार रिसीव कर सको। माइल्ड होल्ड स्प्रे रहता है तो स्टिकी कम होता है एंड आपको ग्रिप मिल जाती है, ठहराव बढ़ जाता है, क्योंकि अब क्या होता है जब आप बनाते हो तो बार बार हेयर आपके हाथ से फिसलता है, जब आप ओरिजिनल हेयर में करते हैं तो कंट्रोल में नहीं आता, तो ये उसको हल्का सा ठहराव चाहिए होता है, इसलिए हम माइल्ड होल्ड स्प्रे का यूज़ करते हैं कि अभी बना भी नहीं है बट हम उसको बनाते समय माइल्ड होल्ड स्प्रे का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, और अगर वो सही से नहीं बना तो कॉम करके उसको दोबारा बना सकते, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होगा, बट माइल्ड होल होने की वजह से आप उसको रिशेप कर सकते हो एंड बट एप्लीकेशन वे होना बहुत ज़रूरी है। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आप पैटर्न को बना रहे हो, माइल्ड होल्ड है ये, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइंस बनाते समय, न्यू फॉर्म्स एंड पैटर्न को क्रिएट करते समय, फ्रंट वेरिएशन बनाते समय, जब वो बन जाए देन आप कोई सा भी स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास गैट्सबी सिल्वर। अब ये गैट्सबी सिल्वर गैट्सबी के नाम से आता है, आई एम जस्ट शोइंग द स्प्रे, गैट्सबी सिल्वर के नाम से एंड फोर नंबर का इसका जो है ग्रिप पावर है, कैचिंग पावर है, होल्डिंग पावर है, जब भी आप इसको करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग मीन्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है बट ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, थोड़ा कम स्टिकी है एंड ये आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी अच्छा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस फॉर्म में है, फैल के लगता है बट फ्रेगनेंस एंड ऑल ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट दिस इज़ रियली नाइस। आप इसको एज अ होल्ड हेयर स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं पैटर्न को फिक्स करने के लिए, थोड़ा इसका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छा है, फैल के लगता है एंड कम स्टिकी करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ रियली नाइस, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फिक्सिंग के लिए। गैट्सबी सिल्वर चार नंबर का होल्ड पावर है इसका। गैट्सबी ब्लैक, अब ये ब्लैक है हमारे पास ये वाला, सो आई एम जस्ट शोइंग द पिक्चर सी, सो आप देख सकते हैं दिस वन इज़ गैट्सबी ब्लैक एंड दिस स्प्रे विल गिव यू द फाइव नंबर होल्ड पावर्स एक्सट्रीम होल्ड। ये काफ़ी सॉलिड एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स ये आपको दोबारा मीन्स कोई स्टाइलिंग आप बना रहे हो तो ये आपको दोबारा मौका नहीं देगा कि आप उस पैटर्न को दोबारा से रिक्रिएट कर पाओ। सो ये काफ़ी अच्छा भी है एंड काफ़ी थोड़ा सा स्टिकी एंड स्ट्रॉन्ग भी है, मीन्स अगर आप इसके यूज हो गए तो आप इसमें ही आप अपने आप को रखोगे कि नहीं आपको बहुत पसंद आएगा ये, बट अगर आप इसके यूज नहीं हो, आपको पता नहीं आपको उसको कैसे करना है, क्योंकि ये फिक्स कर देगा एकदम क्विकली एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, मीन्स जैसे आप ओपन स्टाइलिंग बना रहे हो, कर्ल्स के ऊपर कर दिया आपने तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रखेगा, आपके कर्ल्स जल्दी से खुलेंगे नहीं भी नहीं, और ये थोड़ा सा वाटरी भी है, हैवी भी है बट स्टिल इट्स वेरी गुड। आप मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है स्टाइलिंग के टाइम पे इन ओरिजिनल हेयर एंड इन मैनिक्योर आल्सो, बट ये क्विक फिक्सिंग के लिए है और जो भी हेयर स्टाइलिंग आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रखनी है, जब आप बनाते बनाते आपका हाथ काफ़ी क्लियर हो जाता है तब आप इन हेयर स्प्रे का यूज़ करें फिक्सिंग के लिए, क्विक फिक्सिंग के लिए, या ओपन स्टाइलिंग बनाए, कर्ल्स बना लिए आपने तो उसमें ऊपर से आप कर दो ताकि आपके कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चल जाए, तो आप इस हेयर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ रियली नाइस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फोर्थ वी हैव नोवा गोल्ड, यू नो वेरी वेल आप लोगों का पसंदीदा एंड चहिता स्प्रे नोवा गोल्ड, आई एम जस्ट शोइंग यू, सो आई एम जस्ट शोइंग यू। सो ये है आपका नोवा गोल्ड सुपर फ्रिम होल्ड करके आता है, दिस इज़ रियली नाइस एंड ये भी अच्छा स्प्रे है, बस बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होता है थोड़ा सा वाटरी है एंड थोड़ा सा स्टिकी है, ये वाटरी भी है स्टिकी भी है बट इसमें जो इसकी क्वांटिटी है,
सो एक्चुअली इसकी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा भी चल जाता है एंड स्प्रे होल्ड भी देगा आपको, थोड़ा देर से होल्ड करता है, थोड़ा देर से ग्रिप करता है, थोड़ा वाटरी ज़्यादा है तो आपको उसको थोड़ा दूर से लाइक अप्लाई करना है। वो हम आगे बात करेंगे कैसे कैसे आपने किसी भी हेयर स्प्रे को यूज़ करना है, नहीं तो पहले भी हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है हाउ टू यूज़ हेयर स्प्रे, सो डेफिनेटली यू कैन वॉच फ्रॉम देयर ऑल्सो, नहीं तो हम आगे की क्लासेस में भी बात करेंगे। सो ये हेयर स्प्रे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्ट चल जाता है, मीन्स आपकी कई हेयर स्टाइलिंग निकाल देगा एंड काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बट ये थोड़ा वाटरी है एंड थोड़ा स्टिकी है, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस। आपके पैटर्न को बनाने में क्विक फिक्सिंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा क्विक नहीं है बट थोड़ा वाटरी एंड स्टिकी है, ग्रिप थोड़ा ज़्यादा है इसकी। 4 नंबर इसका होल्ड पावर है, 4 नंबर विद स्टिकनेस के साथ में, थोड़ा वाटरी है इसलिए ज़्यादा स्टिकी लगता है, बट 4 नंबर का ये इसका होल्ड पावर है। तो यू कैन बाई दिस वन ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो नाइस। नॉन फ्लेक्सिबल है, इसको आप रिसीव नहीं कर सकते। देखो जो भी स्प्रे हम आप ही बता रहे हैं नॉन फ्लेक्सिबल हैं, मीन्स ये थोड़ा से हैवी होंगे, थोड़ा सा स्टिकी करेंगे, इनकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा होगी। नाउ फिफ्थ आप लोगों का जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं टाफ्ट ब्लैक, ये वाला, सो दिस वन इज़ रियली नाइस। टाफ्ट ब्लैक नंबर, ब्लैक कलर का ये आता है। 5 नंबर का इसका होल्ड पावर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। 5 नंबर का इसका होल्ड पावर है, टाफ्ट पावर, ब्लैक कलर का ये आता है। 5 नंबर का इसका होल्ड पावर है, काफ़ी अच्छा है स्प्रे है एंड मैक्सिमम लोग इसको, ट्रेनर भी सभी लोग इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा स्प्रे है जो ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है, स्टिकी है ये भी बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मीन्स अगर आप जैसे कि ये है गैट्सबी है, या आपका जैसे कि ये है नोवा गोल्ड है, अगर आप इन स्प्रे के साथ इसका कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा इसका हैवी लुक जो है, जो इसकी हैवीनेस है वो थोड़ी कम है। सो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ रियली रियली नाइस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये भी आपका नॉन फ्लेक्सिबल है। ये अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन वे ठीक है तो डेफिनेटली यू कैन रिशेप इट, बट अगर आप भर के लगाते हैं कि जी आज ही करना है फिक्स, ये खुले ना तो फिर नहीं, ठीक है। तो दूर से करें स्प्रे को, जो भी हेयर स्प्रे आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप उसको रिसीव कर सकते हैं, बट फिर भी वो नेचुरलिटी नहीं रहेगी इसे यूज़ करने के बाद भी, ठीक है। वो फ्लेक्स निकलते हैं, जैसे आपने किसी क्लाइंट ने फ्रंट खुला दिया, उसको खोल रहे हो तो फ्लेक्स निकलते हैं स्प्रे के, एंड आप उसको दोबारा अगर उसमें बना रहे हो तो वो नेचुरलिटी नहीं रहती, बाल बैठने लग जाता है, स्टिकी हो जाता है, थोड़ा वेट फील होता है आप लोगों को बाल में, वो फ्री लुक नहीं रहती है, तो वैसे ही आपको फील होगा। बट दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस, डेफिनेटली अच्छा है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, आई ऑल्सो यूज़ दिस हेयर स्प्रे, अच्छा है, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस, दिस इज़ ऑल्सो नाइस, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। एंड नाउ सिक्स वी हैव टाफ्ट ब्लू, ये वाला स्प्रे, दिस इज़ रियली रियली नाइस, टाफ्ट ब्लू ये वाला। 6 नंबर का इसका होल्ड पावर है एंड इसका लेक्चर एंड थोड़ी सी विजिबिलिटी अलग है, ये आपके क्विक फिक्सिंग के लिए है, कि मीन्स आपने कोई हेयर स्टाइलिंग बनाई एंड आपको चाहते हो कि वो बस आप स्प्रे मारो और वहीं पे फिक्स हो जाए, क्विक फिक्सिंग के लिए, सुपर ड्राई इफेक्ट के लिए, कि ज़्यादा वो स्टिकी भी ना करे, वाटरी भी ना करे, सो आप इसके लिए जा सकते हो। ये थोड़ा क्विक फिक्स करेगा, टाइम नहीं देता है आपको, ये थोड़ा टाइम देगा और सब अदर स्प्रे भी आपको टाइम देंगे, बट जैसे कि सपोज़ हम यहाँ से वॉल्यूम एंड देन फॉल क्रिएट कर रहे हैं, फिर वॉल्यूम एंड देन फॉल क्रिएट कर रहे हैं, डीप लाइन्स आप बना रहे हो, देन ये आप जैसे बनाया फिक्स किया, बनाया अनफिक्स किया, जब आपका हाथ जैसे कि जो आप मतलब एक मोमेंट पे उसको फिक्स करना है, सपोज़ हम फ्रंट का जैसे कि स्प्रेड किया, वो वहीं पे हमें होल्ड करना है, तो आप इस स्प्रे का यूज़ करके उसको वहीं पे होल्ड कर सकते हैं विद वॉल्यूम स्प्रेडिंग के साथ में, ठीक है। एंड देन फॉल किया, फिर उसको फिक्स कर दिया, तो क्विक फिक्सिंग के लिए डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस वन, इट्स स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा ड्राई लेक्चर है इसका, थोड़ा ड्राई इफेक्ट है इसका, फील ऑफ क्वालिटी थोड़ी ड्राई है, एंड जब ये निकलता भी है तो थोड़े से स्क्रबर या थोड़े 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 बम्पर्स भी फील होते हैं, बट अच्छा है इस पर, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द, इफ़ यू वॉन्ट क्विक फिक्सिंग रिजल्ट तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन, टाफ्ट ब्लू, 6 नंबर होल्ड पावर। देन वी हैव अनदर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, कैरिंग ब्रांड, ये कैरिंग हेयर स्प्रे, ये ब्लू कलर का ऐसे दिखता है, सी
सो ब्लू कलर का ये कुछ ऐसे दिखता है कैरिंग, और ये आप यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ रियली नाइस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. ये आपका कैरिंग स्प्रे है, दो कलर में आता है आपका. ये पर्पल, एक ये पर्पल में है और एक ये आपका ब्लू में है. ये दोनों हेयर स्प्रे कैरिंग के हैं, फुली लिक्विड है, ये फुली लिक्विड ही होते हैं. एंड ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी हैवी भी है एंड स्ट्रॉन्ग भी है. एंड हमने इसकी होल्डिंग पावर रखी हुई है 8 and 7 लेवल, इतना ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है. ग्रिप बहुत, जैसे आप थोड़ी देर छोड़ दोगे ना तो आपकी फिंगर ही चिपक जाएगी जैसे, ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग ये है. तो ये हेयर स्प्रे आपके काम आते हैं, जैसे जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारे कर्ल्स स्टे नहीं करते हैं, या उनको लॉन्ग लास्ट रिजल्ट चाहिए, या पूरा फंक्शन निकालना है इवनिंग तक, तो डेफिनेटली आप इन हेयर स्प्रे का यूज़ ज़रूर करें. कर्ल्स के ऊपर ओपन हेयर स्टाइलिंग में तो आपकी हेयर स्टाइलिंग ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेगी, बट डिपेंड ये भी करता है कि आपने कर्ल्स वेरिएशन कौन सा बनाया है, नॉर्मल है, क्लाइंब पैटर्न है, किस तरीके से बनाया है, कितना टाइट बनाया है, क्या प्रोसीजर है, प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी लगाया आपने, क्लाइंट की टर्म एंड कंडीशंस क्या है, उसका हेयर कितना फाइन, कितना स्मूथ है, ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, देन वो लॉन्ग लास्ट चलेगा डेफिनेटली. सो प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होगी, तो पहले आप ऐसे हेयर में मूज लगाओ, कुछ अदर प्रोडक्ट भी आप लगा सकते हैं, एंड देन कर्ल्स बनाओ आप कर्ल्स पैटर्न के साथ में. डेफिनेटली हम आगे आप लोगों को सिखाएंगे, एंड लास्ट में फिक्सिंग स्प्रे मार दो तो ज़रूर टिकेगा वो, ठीक है, लॉन्ग लास्ट भी चलेगा. नहीं तो अदर टेक्निक भी है, हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रख सकते हैं. सो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन न्यू सीरीज का लेसन 2 डे 2. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट क्या है, कौन से ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो हैं ड्यूरिंग स्टाइलिंग की कैटेगरी में आते हैं, कब उनको यूज़ करना है, होल्डिंग स्प्रे क्या है, होल्डिंग पावर क्या है, कम ज़्यादा 1, 2, 3 नंबर, डॉट सिस्टम क्या है, नंबरिंग सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल नॉन फ्लेक्सिबल क्या है, बहुत कुछ आज हो गया है. सो ये थे हमारे आज के नॉन फ्लेक्सिबल. अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे के बारे में, वो भी आपके ड्यूरिंग स्टाइलिंग में ही है, बट वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं एंड थोड़े इनसे थोड़े कॉस्टली रहेंगे. यू कैन से ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड, वैसे सभी ब्रांडेड ही हैं, बट आप कह सकते हैं थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन पे. तो ये था हमारा आज का लेसन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी आज का लेसन पढ़ाया हुआ है. अपनी फाइल ज़रूर बनाएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, इससे हम मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है कि हमारी बनाई हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है. एंड जो भी लोग नीडी पीपल हैं, देखो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ आप स्प्रेड कर सकते हैं. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एवरीबडी, जो लोग भी सीखने के इच्छुक हैं. एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, एंड जो घंटी है नोटिफिकेशन बेल उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है. दोस्तों, हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं. अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो. और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. दोस्तों, हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में. अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है. आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. सो आप इन नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं. सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.